कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित कुमार दुबे, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डाउट क्लियर, जहां पे कोई भी डाउट नहीं रहेगी, सारी के सारी क्लियर कर दी जाएगी। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने 9 सितंबर 2019 के न्यूज़पेपर द हिंदू की खबरों के साथ, जिसमें मैंने इनका वेरिफिकेशन उन्हीं न्यूज के ऊपर ही कर दिया है। जैसे जो पहली खबर है, ट्रंप कॉल्स ऑफ सीक्रेट टॉक विद तालिबान, ये GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के अंडर में आता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो तालिबान के साथ एक वार्ता रखी थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, क्योंकि जो ये कैंप डेविड में ये तालिबान लीडर और प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान के बीच में ये 1 मंथ लॉन्ग निगोसिएशन होना था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है कि अब ये वार्ता तभी होगी जब शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से पालन किया जाएगा। क्योंकि तालिबान लीडर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने यूनाइटेड स्टेट में इसको लेकर आवाज़ उठाई थी, कैंप डेविड रिट्रीट इन मैरीलैंड। क्योंकि इस डिसीजन के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह है कि तालिबान ने ये एक्सेप्ट किया है कि एक सुसाइड कार बॉम्ब अटैक उन्होंने थर्सडे को करवाया है, जिसमें US सोल्डर मारे गए हैं और 11 और काबुल में मारे गए, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीट को कैंसिल कर दिया है और पीस निगोसिएशन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी भी गैर वाजिब डिमांड्स को नहीं माना जाएगा और उनसे बात तभी की जाएगी जब वो शांति के ओर अग्रसर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वी वॉन्ट डिल्यूट आर्टिकल 371, शाह एश्योर एनी स्टेट। अमित शाह ने जो नॉर्दर्न स्टेट को जो पावर मिली हुई आर्टिकल 371 के रूप में, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये एश्योर किया है कि 371 को 370 की तरह हटाया नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है क्या कि आर्टिकल 371 क्या है। तो दोस्तों, आर्टिकल 371 के तहत किसी स्टेट के जो वहाँ के रहने वाले डोमिसाइल होते हैं उनको शिक्षा और नौकरी में स्वायत्तता का अधिकार देता है। मतलब वहाँ पे जो भी नौकरी होगी, जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी, उसमें सबसे पहला अधिकार उनका ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। ये टॉपिक आएगा GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर में, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर स्पॉट्स लैंडर ऑन मून। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने लैंडर को, जो कि मून पे जिसके साथ हमारा आखिरी समय में कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, उसको उसने मून पे स्पॉट कर लिया है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कैसे स्पॉट कर लिया, बिकॉज द ऑर्बिटर हैज़ द कैमरा विच इज़ द हाइएस्ट रिसोल्यूशन कैमरा, वो सबसे ज़्यादा रिसोल्यूशन वाला कैमरा है। सम डिस्टेंस द लैंडर वर स्पॉटेड सम डिस्टेंस अवे, पॉसिबली हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम इट्स इंटेंडेड टच डाउन पॉइंट। द ओरिजिनली चूजन रीजन वाज अबाउट 70 डिग्री साउथ ऑफ द लूनर इक्वेटर एंड अबाउट 600 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर साउथ पोल। इसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज कंट्री का जो सेकेंड एक्सपेडिशन था मून के लिए, ये कॉम्प्लेक्स स्टेज पे आके थोड़ा वहाँ पे लैंडर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया, लेकिन तब भी हम 95% सक्सेस हुए हैं। केवल 5% ही अनसक्सेस हमको हुआ है लैंडर विक्रम के रूप में और दूसरा रोवर प्रज्ञान के रूप में। देखिए, एक जो बैड न्यूज़ है वो ये है, राम जेठमलानी जो कि बहुत ही बड़े वकील, हाईएस्ट फीस टेकर एडवोकेट, पासेज अवे एट 95। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, एक जो खबर आई हुई है वो मध्य प्रदेश से आई हुई है, MP's हैप्पीनेस डिपार्टमेंट टू ओपन टाइम बैंक। ये जो खबर है ये GS2, GS3 और GS4 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में क्या होगा कि वो पर्सन जो कि कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, वो उन्हें फ्री ऑफ चार्ज में सिखाई जाएगी।
लेकिन इसके बदले में उनसे फीस की जगह उनका वैल्यूएबल टाइम लिया जाएगा। जैसे सबको पता है कि पैसा तो एक बार के लिए आ भी सकता है, बस एक गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। सो उसी के बारे में है, इट इज़ ऐसे पोस्टल सर्विस एक्सचेंज विच यूजेज यूनिट ऑफ टाइम एज करेंसी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैप्पीनेस डिपार्टमेंट प्लान टू सेटअप अ टाइम बैंक डेट वुड लेंड करेंसी टू एन आवर विच कुड बी एक्सचेंज टू लर्न अ न्यू स्किल विदाउट द नीड ऑफ फॉर एनी पेपर मनी। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी ऐसे बैंक्स खोले जा चुके हैं। कंसीव्ड ऑफ द सिनसिनाटी टाइम स्टोन इन 1827 द कॉन्सेप्ट गेन्ड करेंसी विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट टाइम बैंक इन जापान इन 1973 एंड लेटर वेन एगर सैन सीईओ ऑफ टाइम बैंक्स यूएसए पॉपुलराइज टाइम डॉलर। टुडे देयर आर मोर देन 500 सच कम्युनिटीज अक्रॉस 32 कंट्री। तो बहुत ही अच्छा ये एक मूव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए जो अगली खबर आ रही है वह है स्टडी शेड्स मोर लाइट ऑन किलिंग ऑफ अमेरिकन बाय सेंटिनल्स। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 9 मंथ आफ्टर अमेरिकन नेशनल जॉन एल्चर चाउ वार एल्जेरी किल्ड बाय द स्टेनलेस ऑन द नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अ रिसेंट पब्लिकेशन बाय द एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया थ्रो मोर लाइट ऑन द इंसिडेंट एंड ऑल्सो द वे ऑफ वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। देखिए कुछ दिनों पहले, लगभग 9 महीने पहले, एक अमेरिकन थे जो कि जॉन एलन चेन, जो कि मार दिए गए थे जब वो एक अंडमान निकोबार की एक ट्राइब्स के समूह में चले गए थे। ट्राइब्स काफ़ी खतरनाक थे, लेकिन उनके समूह में गए थे सर्वे करने के लिए या घूमने के लिए, और जहाँ पे उनको उन ट्राइब्स के लोगों ने मार दिया। तो रिसेंटली एक पब्लिकेशन का एक रिपोर्ट आई है एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, उससे इसके बारे में तो उसने इस घटना के ऊपर कुछ रिपोर्ट डाली है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है। डॉक्टर शशि कुमार इन द पेपर रनिंग ओवर 10 पेजेज स्टेटेड दैट चाउ डेथ वर नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ब्लड वर स्पिल्ड ऑन नॉर्थ सेटलमेंट आइसलैंड। ही पॉइंटेड आउट डैट कि मार्च 1896 में 3 convict एस्केप्ड फ्रॉम अंडमान एंड ड्रिफ्ट टू द नॉर्थ सेंटेन आइसलैंड वेयर दे ट्राइड टू एस्केप इन अ रैप्ट मेड ऑफ बैम्बू। जब दो तो उसमें से डूब गए, जबकि तीसरा पर्सन मौत के करीब पहुंच गया किस रूप में, ट्राइबल पीपल के पास। द सेकेंड इंसिडेंट टू प्लेस इन जनवरी 2006 में जब दो मछुआरे सुंदर राज या पंडित तिवारी मार दिए गए इन्हीं सेंटिमेंट के द्वारा, जिनकी बॉडी बाद में मिली। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये काफ़ी खतरनाक जनजाति में से हैं। चाउ डायरी इन द NSAI पब्लिकेशन डॉक्टर शशि कुमार ऑल्सो रिफर टू द 30 पेजेज डायरी एंट्री ऑफ चाउ एंड कोट फ्रॉम इट, वेल आई हैव बीन शॉट बाय द सेंटिनल बाय अ किड प्रोबेबली 10 or so years old मे बी अ टीनेजर शॉट कंपेयर टू दोज हु लुक्ड लाइक एडल्ट। द लिटिल किड शॉट मी विथ एन एरो डायरेक्टली इन टू माई बाइबल विच आई वॉज होल्ड इट इन माई चेस्ट। हिज हाई पिच वॉइस स्टिल लिंगर इन माई हेड द पब्लिकेशन स्टेटेड आई डोंट वॉन्ट टू डाई वुड इट बी वाइजर टू लीव एंड लेट समवन एल्स टू कंटिन्यू नो आई डोंट थिंक सो डॉक्टर शशि कुमार कोट फ्रॉम द जर्नल। देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, नीलगिरी ताहर्स पॉपुलेशन अप बाय 27% इन 3 ईयर, देयर नंबर हैव बीन राइजेड बाय 132 सिंस 2016 ऑफिशियल से। देखिए ये एक बहुत ही स्टेट एनिमल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि नीलगिरी ताहर्स की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है इस समय 560% से 612 हो गई है। एक्चुअली इसके बारे में जो ये नीलगिरी तहर, इनको नीलगिरी एल्ब्रेक्स भी जाना जाता है, जो कि 132 थे 2016 में, फिर उसके बाद 2018 में 568 हुए और अब की बार 612 हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इनके पॉपुलेशन में 8% का इंक्रीज हो रहा है, और भगवान करे ये ऐसे ही बढ़ता जाए। इस खबर में इतना ही है, ये GS3 एनवायरमेंट पेपर से रिलेटेड ये टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक है GS1 और GS2 से रिलेटेड, एमिड एक्यूट पॉवर्टी सहारिया चिल्ड्रन बैटल मॉल न्यूट्रिशन। देखिए इतना सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी सहरिया डिस्ट्रिक्ट के बच्चे
माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। यहाँ पे प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, हायर इंस्टेंस ऑफ टीबी एमंग चिल्ड्रेन कंटिन्यू टू अफेक्ट द पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए इसमें इस वजह से लाइफ्स का भी लॉस हो रहा है, बच्चे मर भी रहे हैं और जो हैं उनकी भी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2014-15 जस्ट 43.2% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 3 देयर वर ब्रेस्ट फीडर विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ देयर बर्थ इन रूरल पार्ट ऑफ द शिवपुर डिस्ट्रिक्ट। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की स्टडी ये बताती है कि सहरिया में टीवी की जो घटनाएं हैं वो करीबन 1,00,000 के जन्स 1,00,000 लोगों पे 1,995 हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब 1,00,000 लोगों पे 1,995 लोगों में टीवी की बीमारी डिटेक्ट होएगा। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख टू हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। देखिए सबको पता है आर्टिकल 370 एंड 35 ए को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब इनका लेकिन जो हाई कोर्ट होगा वो एक ही होगा। इसमें ये भी है कि 108 सेंट्रल लॉज इन दोनों यूटीज में अप्लीकेबल होंगे, जबकि 164 लॉज जो हैं जो कि रिलेटेड टू हैं स्टेट से वो हटाए जाएंगे और 166 स्टेट लॉ मतलब कंटिन्यू वुड बी एप्लीकेबल रहेंगे। हाई कोर्ट विल रिमेन द सेम, मतलब दोनों के लिए हाई कोर्ट यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए यूटी एक ही होगा। देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट टू फॉर्म JNK लैंड लॉज। देखिए जब धारा आर्टिकल 370-35A को हटाया गया तो लोगों के बीच में इस बात को लेके भी थोड़ा संदेह था कि वो अपनी धरती जो उनकी ज़मीनें हैं उनकी रक्षा कैसे करेंगे, अपने कल्चर की रक्षा कैसे करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कहा गया है कि क्या होता है अब जब इंडस्ट्रीज वहाँ लगेंगी तो सही बात है ज़मीनें खरीदेंगी और क्या होता है लोगों की ज़मीनों को खरीदेंगे, भाई लोग बेचेंगे ही बेचेंगे। तो इससे वहाँ के लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसी पे ये क्या होता है आर्टिकल लिखा, ये न्यूज है ऑन द गवर्नमेंट्स पोर्टल इन्वेस्ट इंडिया। JNK इज होम टू अबाउट 53 इंडस्ट्रियल स्टेट एंड 32,226 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $793 मिलियन। जबकि जो वेबसाइट ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहती है कि वहाँ पे 30 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं JNK में। देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़मीनें इंडस्ट्रीज के द्वारा हथिया ली जाएँ। तो उसी पर सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों के क्या होता है हितों की रक्षा की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा कि लोगों के हित उससे बर्बाद हों। इसमें क्या होता है ये भी बोला गया कि हम ओपन टू लैंड सैंक, वी हैव टू सेफ गार्ड इट वेदर यू डू इट थ्रू आर्टिकल 370 और सम अदर रूल। हिमाचल प्रदेश डज नॉट हैव 370 बट दे हैव सेफ गार्ड देयर लैंड। देखिए ऐसा जो ये डर है क्योंकि कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है तो लोगों को डर है कि इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ की भी आबो हवा बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसी पर सरकार का ये तर्क है कि हिमाचल प्रदेश में तो 370 आर्टिकल नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दूसरा कानून है, वहाँ पे ये कानून है कि वहाँ पे कोई भी गैर कृषक परिवार तो बाहर से कोई वहाँ पे ज़मीन खरीद ही नहीं सकता, और अगर वहाँ कोई ख़रीदता है तो उसे वहाँ पे एज ए फार्मर उसको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो किसान है और किसानी के लिए ही ज़मीन खरीद रहा है, अदरवाइज वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए ये जो खबर है ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रम मे नॉट स्प्रिंग बैंक टू लाइफ से स्पेस एक्सपर्ट। देखिए ऐसा है कि जो कहा जा रहा है कि विक्रम जो हमारा लैंडर है वो उतरने को तो उतर गया है मून पे, ऑर्बिट ने उसकी फ़ोटो भी खींच के भेजी है जो कि काफ़ी हाई रिजोल्यूशन फ़ोटोज हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। विक्रम सही से काम भी कर रहा है, उसके
पता ही होगा, आप जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके सारे सोलर पैनल काम भी कर रहे हैं, वो चार्ज भी सही तरीके से हो रहा है, वो सारे डेटा भी कलेक्ट कर रहा है, बट अपनी ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा अलग हटने की वजह से ना तो वो डेटा ना तो वो लैंडर को क्या होता है ऑर्बिटर को भेज पा रहा है और न ही अर्थ को ही भेज पा रहा है, यानी कि इसरो को ही भेज पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उसकी वापसी की भी उम्मीदें कम ही हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि ये प्रिसाइज तरीके से लैंडिंग करवाने की वजह से जो पहले हमारे इस चंद्रयान 2 की लाइफ 1 साल थी, अब वो ईंधन बचा होने की वजह से अब उसकी लाइफ 7 साल हो गई है। मतलब 7 सालों तक ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में घूमता रहेगा और वहाँ की जानकारी हमें भेजता जाएगा, जो कि हमारे फ्यूचर और डिसीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए दोस्तों, अगली जो खबर है वो ये है कि जो विनोद राय, जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर थे और फॉर्मर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय, इन्होंने कहा है कि CBI और सरकार को एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना होगा, क्योंकि जब तक ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तब तक कोई भी स्टेप CBI को लेने के लिए या फिर कोई भी स्टेप सरकार को लेने के लिए देश विरोधी कामों को रोकने में तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। ये बातें उन्होंने अपने बुक की लॉन्चिंग पे समय पर कहा है, जिस बुक का टाइटल है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें एक तरीके से डेमोक्रेसी के को सपोर्ट करने वाले पिलर के रूप में काम करना चाहिए। ये खबर जैसे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बस केवल आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। NRC और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक्स जज, जो कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के AP साहब, उन्होंने कहा है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप मस्ट फॉलो द मोस्ट रिगरियस प्रोसीजर अवेलेबल, द ओवरराइडिंग कंसर्न मस्ट बी फेयरनेस नॉट क्विकनेस और एफिशिएंसी। दोस्तों 9 सितंबर 2019 से रिलेटेड जो भी हिंदू पेपर में न्यूज थी वो मैंने सारी कवर कर दी है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर खबर के ऊपर जिनको मैंने कवर किया है उनके ऊपर मैंने ये भी बता दिया है कि ये GS के कौन से पार्ट से रिलेटेड हैं और किस सेगमेंट के अंदर में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 9 सितंबर 2019 के एडिटोरियल को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सबा खैर। और हाँ, जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।